हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लगा रहे हैं अपने ऑर्चर्ड में न्यू फेदर प्लांट्स। तो उससे पहले हमने क्या किया है कि हमने कुछ मटेरियल यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, जैसे कि ये वर्मी कंपोस्ट है, आगाज़ वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत ही फाइन वर्मी कंपोस्ट है विद ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और नीम केक। तो नीम खली इसमें है और मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा है, जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ कि मॉइस्चर और वेरी फाइन क्वालिटी है आगाज़ का ये जो मटेरियल है वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी अच्छा है, ड्राइकोडर्मा सुडुमिनास एंड नीम केक, नीम खली इसमें पड़ी हुई है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा एक अपना ग्रेनुअल है, प्लांटोनिक्स का ग्रेनुअल, जो ग्रेनुअल भी काफ़ी फाइन उस पर है, और इसको भी मैं यूज़ करूँगा इसमें प्लांटिंग के लिए। और दूसरा मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ माइकोराइजा भी मैं इसमें, ये मेरे एक नया प्रयोग है, मैं साथ में डलवा रहा हूँ इसके। अदरवाइज तो हम प्लांटोनिक्स और वर्मी ही डालते हैं, पर मैंने ये माइकोराइजा भी डलवाना शुरू किया है। तो और इसको मैं डलवाने का तरीका क्या है कि मैं थोड़ा सा प्लांट का ये एक घोल बनाया हुआ है, चिकनी मिट्टी का घोल, आप देख पा रहे हैं। तो ये चिकनी मिट्टी का घोल है और इसको हमने डिप कर दिया है। इसमें क्या करना है कि हमने माइकोराइजा थोड़ा सा हमने इसमें ऐड करना है, जस्ट लाइक माइकोराइजा का भी मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ग्रेनुअल्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें मीन ग्रेनुअल जो छोटा छोटा है वो बहुत ज़्यादा है, और माइकोराइजा का जो मैंने अभी थोड़ा देखा है कि जो मोटा जिसमें ग्रेनुअल होता है वो ज़्यादा फाइन बोलते हैं कि वो अच्छा रहता है, जैसे ये। पर इसमें चलो ठीक है, ये भी पतला भी है, इसमें दोनों हम देख सकते हैं कि क्या होता है। ये हमने माइकोराइजा इसमें इस तरह करके डलवा दिए हैं और इसको हम घोल देंगे। वैसे तो ये वो देना डंडा देना, और को और डलवा देते हैं। बोलो इसको बस, ये हमने डिप कर दिया है। और जिसमें क्या है कि हमें इसमें माइकोराइजा के कुछ कण इसमें चिपक जाएंगे, कैमरा क्लोज लाना। जैसे ये जिस चीज़ देखो, ये माइकोराइजा के कुछ कण है चिकनी मिट्टी के साथ इसमें जम गए हैं। तो ये हमारे को हेल्प करेगा रूट्स को डेवलप करने के लिए। और प्लांट फेदर प्लांट है ये, तो छोटा प्लांट है, मैं ये दूसरा प्लांट दिखाता हूँ। ये हमारा फेदर प्लांट है और इससे भी बड़े प्लांट्स हमारे पास है। तो इससे हम वो देख रहे हैं कि इसको हम डिप करेंगे लाइक दिस, और इसको फिर हम जैसे ही निकालेंगे और इसमें काफ़ी सारे माइकोराइजा के कण इसमें चिपक जाएंगे। और देन आफ्टर हम इसको जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूँ आपको, फिर हम इसको इस तरह से गड्ढे में लगा लेंगे और इसके साथ जो ये यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है इस पर हम जैसे अभी जो आगाज़ वर्मी कंपोस्ट है, एक किलो इसका 1 किलो कम से कम हम इसमें ऊपर डाल देंगे और इसको आपस में मिला लेंगे। जैसे 1 किलो हमने ये डाल दिया और एक से दो मिट्टी हमने ग्रेनुल्स इसमें डलवा दिए, और इसको जैसे ही ये मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा, देन आफ्टर हम इसको प्लांटिंग करेंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा इस बारी का। और देन आफ्टर हम देखते हैं कि क्या इसमें इसकी जो ग्रोथ रेशियो है और प्लस इसका सर्वाइवल रेशियो है वो भी चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। चलो भी कर दी वर्मी कंपोस्ट 1 किलो, प्लांटोनिक्स ग्रेनुअल। आप 1 मिनट में गाच दे सारो गाच एक जो तो कई बार अपना बस भैया जी ऊपर का नाओ प्लांट्स दे दो बेटे, एक प्लांट लाओ उधर से, यहां देख यहां देख, ये वाला हां ये ले नहीं आने भी गौर कर ओके चलो बेटा एक जगह से मोया बड़ा नहीं पतला कर ले। रुको एक मिनट, मैं पूरे लोग इन्हें काट दो ना, ये गाड़ी के जाने में वो लम लम के लोग लग रहे हैं ना, तो जैसे पाइप दूंगा ना
तो जा चलो बाहर से कटिंग करो। ओके।